भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर विभिन्न राजनीतिक संगठनों और सामाजिक संगठनों द्वारा बुधवार को अंबेडकर चौक स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा, आज 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती पर समता दिवस के रूप में पूरा देश मना रहा है और हमारे यहाँ बाबा साहब के चरणों में सबसे पहले नमन करते हुए मैं देश को संदेश देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें जीने का अधिकार दिया, छुआछूत के भावनाओं को ख़त्म किया और उन्हीं का देन है कि आज संविधान लागू हुआ, सभी लोग स्वतंत्र हैं। बाबा साहब के चरणों में फिर से नमन करते हुए हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं और सभी दलित बस्तियों में जा करके इनके इतिहास को आने वाले समय में सभी को बताया जाएगा।